छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि आगामी 10 और 11 फरवरी को नशा मुक्ति मांसाहार मुक्त को लेकर 2 दिवसीय शक्ति जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि ये संगठन समाज को नशा मुक्त मांसाहार मुक्त करने और समाज के बीच आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करके लोगों को मानवता के पथ पर बढ़ाने और कार्य कर रहा है और इसी उपलक्ष्य में आने वाले 10 और 11 फरवरी को 2 दिवसीय जन कल्याण शिविर का आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में होगा, जिसमें 50,000 से अधिक की संख्या में लोग उपस्थित होने की संभावना है। बिलासपुर से संवाददाता सतीश बाटवे की रिपोर्ट। एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में विशाल शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन 10 व 11 फरवरी को साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर में किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य गुरुवर के जन कल्याणकारी चेतनात्मक चिंतन होंगे। परम पूज्य गुरुवर ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन जन कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया है। समाज को नशा मुक्त मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान बनाते हुए उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किया जा सके, इस लक्ष्य को लेकर के माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की साधना आराधना के माध्यम से लोगों को संकल्पित कराया जाता है और लोग निश्चित रूप से संकल्प लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। हमारे संगठन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सभी जाति सभी धर्म सभी संप्रदाय का समान रूप से आदर मान सम्मान करते हुए हम सभी लोग पूरे समाज का आह्वान करते हैं कि लोग आएँ और परम पूज्य गुरुवर के जन कल्याणकारी चिंतन सुने, दोनों दिन की होने वाली दिव्य आरती क्रम का लाभ लें और अपने जीवन में परिवर्तन करते हुए अपने घरों में आत्म शांति एवं सुख समृद्धि प्राप्त करें। अब तक लगभग 10 लाख से ऊपर भी लोग नशा मुक्त हो चुके, संकल्पित जीवन जी रहे हैं परम पूज्य गुरुवर की कृपा से पूरे देश स्तर पर और विदेशों में भी।